पिछले दिनों 10 फरवरी 2022 की रात्रि को डबरा भितरवार मुख्य सड़क मार्ग स्थित आदिनाथ पैलेस में पंचायत सचिव की बेटी की शादी में बेटी को देने के लिए रखे गहने बंद कमरे से खिड़की के रास्ते से चोरी होने की घटना को संज्ञान में लेते हुए रविवार को थाना प्रभारी राजकुमारी परमार ने नगर के सभी मैरिज ब्यूरो एवं मैरिज गार्डन संचालकों की सामूहिक रूप से भितरवार थाना परिसर में बैठक ली, जिसमें श्रीमती परमार ने सभी मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाएं कि पूरा लॉज या मैरिज गार्डन कैमरों की निगरानी में रहे। साथ ही थाना प्रभारी श्रीमती परमार ने कहा कि चोरी, लूटपाट, डकैती इत्यादि की घटनाओं के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अपराधों में सीसीटीवी कैमरे ही पुलिस के मुख्य और अहम सुराग के सूत्र हैं, इसीलिए इनके लगाने में किसी भी प्रकार की हीला हवाली या लापरवाही न की जाए। संबंधित मैरिज गार्डन संचालक अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाता है तो किसी भी प्रकार की घटना या वारदात होती है तो संबंधित मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ घटित अपराध की जिम्मेदारी मानते हुए संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से एसआई शिवम शर्मा एवं अन्य स्टाफ के अलावा मैरिज गार्डन संचालक निर्मल जैन, विनोद मोदी, नंदू अग्रवाल, आलोक यादव, लालू खटीक, आनंद जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भितरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जो आज मैरिज गार्डन वालों की बैठक रखी गई थी, किस क्या संबंध में रखी? अभी कुछ समय पूर्व एक मैरिज गार्डन से कुछ जेवरात चोरी हुए थे और मौके पर पहुंच के देखा गया तो गार्डन में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिस कारण से आरोपी की तलाश में परेशानियाँ हुई। उस संबंध में सभी मैरिज गार्डनों के संचालकों को बुलाकर सुरक्षा की दृष्टि से गार्डन में अपने संस्थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु उन्हें समझाइश दी गई है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी घटना दुर्घटना से बचा जा सके या कोई घटना होती है तो आरोपियों की तलाश में समुचित सहयोग प्राप्त हो सके। उस संबंध में मीटिंग आयोजित की गई।